यूक्रेन जंग साल के सबसे भीषण दौर में पहुंच चुकी है। वॉर ग्राउंड में रूसी सेना बेहद आक्रामक है। बीते 24 घंटे में रूस ने ज़ापोरिज़्या से लेकर डोनेस्क और बाखमुत तक क्लस्टर और फॉस्फोरस बम से हमले किए। रूस के इन हमलों में 500 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। सिर्फ इतना ही नहीं, जंग में एक बार फिर ईरान का सबसे घातक शाहिद ड्रोन उतर चुका है। इससे सर्दियों के लिए रूस का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। ग्राउंड में होते ये धमाके, ये तबाही रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का प्रतिशोध है। चौबीस घंटे तक नॉनस्टॉप यूक्रेनी शहरों और ज़ेलेंस्की के जवानों पर रूसी बारूद काल बनकर बरसता रहा। क्लस्टर और फॉस्फोरस बमों से लेकर शाहिद कामिकाज़े ड्रोन तक पुतिन की सेना ने अपने हथियार गोदामों में मौजूद हर घातक हथियार का इस्तेमाल किया। रूस के इन हमलों ने यूक्रेनी सेना पर हुए संहार का नया इतिहास लिख दिया। बीते 24 घंटे में यूक्रेनी सेना में मची महातबाही की पूरी रिपोर्ट आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले उन इलाकों के बारे में जान लीजिए जहां रूस ने भीषण बारूदी वर्षा की। ज़ापोरिज़्या, बाखमुत, सुमी, डोनेस्क, लीमन, कुप्यांस्क। यूक्रेन के वॉर ग्राउंड में धधकते ये वो 6 इलाके हैं जो पुतिन के प्रतिशोध में धधक रहे हैं। यहां रूस ने यूक्रेनी आर्मी पर इतने प्रहार किए जिससे दूसरे शहरों में लड़ रहे ज़ेलेंस्की के जवानों की रूह कांप उठी। रूसी हमलों के बाद ये जगह यूक्रेनी सैनिकों की सबसे बड़ी कब्रगाह बन चुकी है। रूसी रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक बीते 24 घंटे में यूक्रेन के 523 सैनिक मारे गए हैं। रूस ने भीषण हमले कर यूक्रेन के 21 हथियार गोदाम भी तबाह कर दिए। कहीं टैंकों के परखच्चे उड़ रहे हैं, कहीं तोपें धू धू कर जलती नजर आ रही हैं। यूक्रेनी खेमे में मची तबाही की ये तस्वीर डोनेस्क के नोवोमायोर्स्क की है, जहां रूसी सेना ने प्रचंड प्रहार कर यूक्रेन की 35वीं इन्फेंट्री बटालियन को तबाह कर दिया। लीमन में मौजूद ये यूक्रेनी आर्मी का मिलिट्री ग्राउंड है। यहां पश्चिमी देशों से आए इंस्ट्रक्टर यूक्रेन के नए सैनिकों को ट्रेनिंग दे रहे थे। लोकेशन ट्रेस होते ही रूस की वायुसेना ने हमला कर ग्राउंड को ही उड़ा दिया। अटैक में 6 से ज्यादा ट्रेनर और 16 यूक्रेनी जवान मारे गए। यूक्रेन के बेलहोरोद शहर में रात के वक्त रूस ने बड़ा हमला किया। रूसी सेना ने यहां कामिकाज़े ड्रोन से भीषण हमले किए। हमलों में यूक्रेन का एक मिलिट्री ठिकाना और एक हथियार डिपो तबाह हो गया। ताबड़तोड़ फायरिंग की ये तस्वीरें क्रिमेनिया की, जहां सुबह के वक्त रूस की ग्राउंड फोर्स ने यूक्रेनी कैंप पर धावा बोला। कुछ घंटे की फायरिंग के बाद यूक्रेन के जवान कैंप छोड़कर भाग गए और रूसी जवानों ने यहां कब्जा कर लिया। सुमी में रूस ने 8 जगहों पर भीषण हमले किए। ये हमले यूक्रेन की पोस्ट और रिहायशी इलाकों पर किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने महज 24 घंटे में 22 बार हमले किए हैं। ज्यादातर हमलों के लिए रूस ने शाहिद ड्रोन का इस्तेमाल किया। बीते 24 घंटे से रशियन आर्मी बेहद अटैकिंग अवतार में है। रूस उसी रफ्तार से हमले कर रहा है जब 24 फरवरी 2022 को उसने यूक्रेन के खिलाफ जंग छेड़ी। रूस के इन हमलों से यूक्रेन को सैन्य मोर्चे पर बड़ा झटका लगा है। डोनेस्क में यूक्रेन को सबसे बड़ा नुकसान पहुंचा है। यहां यूक्रेन के 165 जवान मारे गए। हथियार गोदाम तबाह हो गया। कमांड पोस्ट रूस ने तबाह कर दी।
दक्षिणी डोनेस्क में यूक्रेन के 185 जवान मारे गए, 2 हथियार गोदाम तबाह हो गए, लीमन में 50 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई, 1 हथियार गोदाम नष्ट हो गया, 5 होविट्ज़र के परखच्चे उड़ गए। रूस यूक्रेन के बीच सबसे भीषण जंग इस वक्त ज़ेपोरिज़्या में चल रही है। बीते 3 महीने से यूक्रेन ज़ेपोरिज़्या पर कब्जे की कोशिश में रूसी सेना पर तोप और टैंक से हमले कर रहा है, लेकिन बीते 24 घंटों में ज़ेपोरिज़्या में भी यूक्रेन को बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। यह वीडियो ज़ेपोरिज़्या का है, जहां रशियन आर्मी ने ड्रोन से यूक्रेनी ट्रेंच की रेकी की, रेकी के बाद हमला कर ट्रेंच पर कब्जा कर लिया। ये वीडियो ज़ेपोरिज़्या के बर्बोव का बताया जा रहा है। वीडियो में ताबड़तोड़ फायरिंग करते जवान रूस के हैं। यहां भी रूसी सेना ने एक ट्रेंच पर कब्जा कर लिया। ज़ेपोरिज़्या पर आगे बढ़ने के लिए यूक्रेन ने जर्मनी से मिले लेपर्ड टैंक उतारे थे, मगर इन टैंकों को भी रूस ने ध्वस्त कर दिया। ज़ेपोरिज़्या में यूक्रेन के 45 जवानों की मौत हो गई है, 2 होविट्ज़र तोपें रूस ने नष्ट कर दी, 4 इन्फेंट्री व्हीकल तबाह हो गए, 12 टैंकों के रूसी सेना ने परखच्चे उड़ा दिए। रूसी हमलों के बाद ज़ेपोरिज़्या में यूक्रेन की 6 बटालियन तबाह हो गई है। यहां यूक्रेन को भारी नुकसान झेलना पड़ा है। दरअसल दक्षिणी और पश्चिमी ज़ेपोरिज़्या में यूक्रेनी आर्मी रूस के खिलाफ बीते 2 महीने से आक्रामक अभियान चला रही है, लेकिन यूक्रेन को कामयाबी नहीं मिल पा रही। 60 दिनों में यूक्रेन को यहां 17,000 से ज्यादा सैनिक गंवाने पड़े हैं। साफ है, रूस यूक्रेन की जंग में पुतिन आर्मी इस साल के सबसे विध्वंसक मोड में आ चुकी है। पुतिन सर्दियों से पहले ज़ेलेंस्की के जवानों के खिलाफ विनाशक अभियान शुरू कर चुके हैं, और 5 सितंबर को मची तबाही इसका एक छोटा सा ट्रेलर है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। यूक्रेन युद्ध की शुरुआत रूस के कीव पर हमले से हुई, और रूस पहले ही हमले में कीव फतह के काफी करीब पहुंच गया, लेकिन कामयाब नहीं हो सका। इसके बाद ही यूक्रेन युद्ध में अनगिनत मोर्चे खुले, लेकिन रूस की कीव पर कब्जे की कोशिशें आज तक जारी हैं। इसके बावजूद कीव में रूसी झंडा नहीं लहरा सका है, और इसकी सबसे बड़ी वजह है कीव की सुरक्षा में लगे डिफेंस सिस्टम। पुतिन ने इस चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए अब एक नया फॉर्मूला निकाला है। क्या है वो फॉर्मूला, और क्या कीव पर रूसी झंडा लहराने जा रहा है? देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ये तस्वीरें हैं दूसरे विश्व युद्ध के सबसे खूनी संग्राम, बैटल ऑफ कीव। वही कीव शहर जो आज यूक्रेन की राजधानी है। उस वक्त इस जंग के मैदान में एक तरफ थी रूसी फौज और दूसरी तरफ नाजी सेना। पूरे 50 दिन की बारूदी वर्षा के बाद रूसी सेना को बैटल ऑफ कीव में जीत हासिल हुई थी। साल बाद एक बार फिर रूसी सेना बैटल ऑफ कीव में ही फंसी हुई, लेकिन इस बार 50 दिन के बजाय 500 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, लेकिन रूस को कीव फतह नसीब नहीं हुई है। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत रूस के जरिए कीव पर अटैक के जरिए ही शुरू हुई थी। अगले 4 दिन यानी 25 से लेकर 28 फरवरी के बीच रूसी सेना कीव पर कब्जे के बेहद करीब पहुंच गई।
रूसी सेना कीव को घेर चुकी थी, लेकिन 2 मार्च को यूक्रेनी सेना ने रूस के 2 सुखोई विमान गिराकर बाजी पलट दी। 2022 का मार्च का महीना कीव पर कब्जे की जंग में ही बीत गया, लेकिन रूसी सेना कामयाब नहीं हो सकी और 29 मार्च को रूस ने कीव का मोर्चा खाली करने का ऐलान कर दिया। और इसकी सबसे बड़ी वजह थी यूक्रेन पहुंचे अमेरिका के वो हथियार जो हर बार रूसी हमले को नाकाम कर देते थे, लेकिन रूस ने अब तक कीव पर कब्जे की कोशिशों को विराम नहीं दिया है। मार्च में रूस ने कीव का घेरा खत्म होने के बाद जुलाई 2022 में हाइपरसोनिक हमले शुरू किए। इसके बाद अगस्त में ड्रोन वर्षा की गई। नवंबर 2022 में रूस ने कीव में फिर शाही ड्रोन से ऑपरेशन किया। फरवरी 2023 में रूस ने इस्कंदर और ज़िरकॉन से हमले किए और फिर जून 2023 में ड्रोन हमलों की नई सीरीज शुरू कर दी। यूक्रेन जंग के इन 20 महीनों में रूस कीव पर कब्जे के लिए 14 बड़े अभियान चला चुका है, लेकिन इसके बावजूद रूस को अब तक कीव पर कब्जे में कामयाबी नहीं हासिल हुई है। और इसकी वजह है कीव का वो कवच जिसे अमेरिकी डिफेंस सिस्टम से तैयार किया गया है। कीव की सुरक्षा के लिए जो कवच बनाया गया है वो रूस के लिए अब तक अभेद्य कैसे बना रहा, इसे इस ग्राफिक से समझिए। कीव के कवच की पहली लेयर में पैट्रियट डिफेंस सिस्टम की तैनाती है, जो अमेरिका का सबसे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम है। इसके बाद मीडियम रेंज एयर डिफेंस सिस्टम नैसम्स का घेरा है। नैसम्स के सुरक्षा चक्र में ही व्हाइट हाउस और वॉशिंगटन रहता है। कीव की सुरक्षा का अगला घेरा M142 हाईमार्स का है। इसके बाद यूक्रेन के अपने डिफेंस सिस्टम भी लगाए गए हैं। इस डिफेंस सिस्टम को भेदने में रूसी सेना पिछले 20 महीनों से कोशिश कर रही है, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। लेकिन अब पुतिन सेना ने इस चक्रव्यूह को तोड़ने का फॉर्मूला खोज लिया है और ये खोज हुई है पुतिन और रईसी के ज्वाइंट ऑपरेशन से। रूसी और ईरानी वैज्ञानिकों की टीम ने अब ऐसे ड्रोन तैयार किए हैं जो कीव के सुरक्षा चक्र को भेद देंगे। पुतिन और रईसी की जोड़ी ने 2 ऐसे हथियार तैयार किए हैं जो कीव में 5 लेयर के नेटो के सुरक्षा चक्र को चकमा देकर कीव को दहला सकते हैं। रूस और ईरान के इस जॉइंट वेंचर से तैयार कीव के 2 संहारकों में पहला है जुल्फिकार मिसाइल और दूसरी है फतेह 110 मिसाइल। हालांकि ये दोनों ही ईरान की पुरानी मिसाइल हैं, लेकिन अब ईरान और रूसी इंजीनियर्स ने इनमें कुछ ऐसे बदलाव किए हैं जिससे ये कीव के सुरक्षा घेरे को तोड़ने में कामयाब रहेंगे। हालांकि अब तक रूस और ईरान ने अपनी तकनीक और रणनीति का खुलासा नहीं किया है, लेकिन कीव की सुरक्षा एजेंसियों ने इससे जुड़ी जो जानकारी हासिल की है वो यूक्रेन के लिए डराने वाली है। दरअसल जुल्फिकार और फतेह की तकनीक में बदलाव किया गया है। इसके लिए सर्दियों के मौसम का फायदा उठाया जाएगा। दरअसल डिफेंस सिस्टम कम ऊंचाई के हथियार को नहीं पकड़ पाते हैं और सर्दियों के मौसम में ये काम और मुश्किल हो जाता है। अब नई मिसाइल में जुल्फिकार और फतेह की रेंज को कम किया गया है और दोनों मिसाइल की स्पीड बढ़ा दी गई है। जुल्फिकार को सिर्फ पैट्रियट ही पकड़ सकते हैं, इसलिए नई रणनीति के मुताबिक रूस कीव का कवच तोड़ने के लिए सर्दियों में पहले मॉडिफाइड फतेह मिसाइल को फायर कर पैट्रियट को चकमा देगा और ठीक उसी वक्त जुल्फिकार से हमला किया जाएगा ताकि पैट्रियट का घेरा तोड़कर कीव में तबाही मचाई जा सके। रूस ईरान का ये नया फॉर्मूला अब यूक्रेन ही नहीं बल्कि पेंटागन के लिए भी सिरदर्द बन गया है, क्योंकि अगर रूस अमेरिका के पैट्रियट और नैसम्स को भेदने में कामयाब हो गया तो यूक्रेन के लिए कीव बचा पाना लगभग नामुमकिन होगा और यहीं से रूस के लिए कीव फतेह का रास्ता खुल जाएगा और शायद रूस 80 साल बाद एक बार फिर कीव विजय का इतिहास दोबारा दोहरा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।